गुड मॉर्निंग क्लास टू बेटा, टुडे यू हैव टू स्टडी सोशल. ओके, तो टेक आउट योर सोशल बुक, लेसन 10. ओपन लेसन 10, ओपन करिए बेटा सभी लोग. ओपन लेसन 10, पेज नंबर 59. सी पेज नंबर 59. व्हाट इज द नेम ऑफ द लेसन? फॉर सम फन. ठीक, लेसन का नाम क्या है? फॉर सम फन. फन मीन्स क्या होता है? थोड़ी मस्ती के लिए. ठीक, तो ये चैप्टर आपको क्या बताएगा कि हम लोगों को कब फन करना चाहिए, कब मस्ती करनी चाहिए और कितना इम्पोर्टेंस है फन का, क्या ज़रूरत है हमको थोड़ी सी क्या कहते हैं लाइफ में लेजर टाइम निकालने की, लाइफ में खाली समय निकालने की जिस समय हम मस्ती कर सकें, जिस समय हम इंजॉय कर सकें. ठीक है, देखिए फ़न टाइम वही क्या होता है. फ़न टाइम क्या होता है बताओ? फ़न टाइम वो होता है जो हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं ना, खेलते हैं, घूमते हैं, कहीं आते जाते हैं. ठीक है, तो वही आपका फ़न टाइम होता है, वही आपका जो है कि ऐसा समय होता है जब आप रिलैक्स फील करते हैं, जब आप सारे प्रेशर टेंशन से दूर हो करके अपनी लाइफ को इंजॉय करते हैं. ठीक है, और फ़न टाइम क्यों ज़रूरी है अब आइए देखते हैं इस चैप्टर में. ठीक, चलिए देखिए. देखिए सबसे पहला टॉपिक है आपका लेजर टाइम. क्या है सबसे पहला टॉपिक आपका? लेजर टाइम. लेजर टाइम क्या होता है बेटा? लेजर टाइम बता रहा है कि आफ्टर वर्किंग और स्टडी, मतलब अगर आप बड़े हैं जैसे पापा मम्मी हैं आपके, ठीक है, वो लोग भी दिन भर काम करते हैं ना, सुबह काम करते हैं, शाम को भी काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं पापा, या मम्मी हैं वो भी काम करती हैं, घर में हैं, बाहर जाती हैं अगर तो बाहर जाके काम भी करती हैं. आप हो, आप क्या कर रहे हो? पढ़ाई करते हो. जैसे स्कूल खुला था, स्कूल जाते थे, है ना, तो जब काफ़ी देर तक हम मतलब 4 घंटा 5 घंटा 3 घंटा काम कर लेते हैं या पढ़ाई कर लेते हैं, तो हमें क्या होता है, थोड़ा टाइम चाहिए होता है फ्री टाइम, जिसमें हम थोड़ा अपना फ्री टाइम चाहिए होता है, जिसमें हम जो थकावट महसूस करने लगते हैं लगातार काम करने की वजह से, उसको दूर करके अपने आप को रिफ़्रेश कर सकें, ताकि फिर कुछ देर, कुछ घंटे, फिर और एनर्जी से और एक्साइटमेंट से और पूरे इंथुजियाज्म से हम काम कर सकें. ठीक, तो इसी को हम लोग लेजर टाइम का नाम दिए हैं. लेजर टाइम मतलब यही होता है बेटा, जैसे मान लीजिए अगर घर की बात करें तो घर में सब फैमिली है, सब लोग बाहर बाहर रहते हैं, पापा दिन भर ऑफिस रहते हैं, शाम को घर आते हैं, मम्मी भी दिन भर काम करती हैं, आप भी हफ्ते भर स्कूल जाते थे, मान लीजिए अभी घर में हो लेकिन जब स्कूल खुल जाएगा तो आप दिन भर हफ्ते भर स्कूल जाओगे, एक दिन छुट्टी मिलती है. संडे क्यों मिलता है? संडे आपको, संडे आपका वीकली लेजर टाइम है. ठीक है, इसीलिए आप देखो अच्छी अच्छी मूवीज़, अच्छे अच्छे कार्टून शो और अच्छी अच्छी चीज़ें संडे को आती हैं, स्पेशल संडे दिखाता है, ताकि सबको पता होता है कि संडे को हम लोग घर पे रहते हैं, सभी लोग घर पे रहते हैं तो अच्छी पिक्चरें देख सकें, मस्ती कर सकें, रिलैक्स कर सकें. ठीक है, तो जैसे वीकली ऑफ आपका संडे हो गया, लेजर टाइम हो गया, ये हफ्ते भर आपने 6 दिन काम किया और 7वें दिन आपने थोड़ा रिलैक्स कर लिया, तो फिर आप 6 दिन और काम कर लोगे ना, और इंतज़ाम से ये इंतज़ार करते हुए, हर दिन हम इंतज़ार करते हैं कि संडे आएगा तो खूब मस्ती करेंगे. क्यों भाई, क्यों ऐसा इंतज़ार होता है संडे आएगा तो खूब मस्ती करेंगे? इसी एक्साइटमेंट में हम सारा काम बहुत अच्छे से अपने हफ्ते भर का निपटाते हैं. ठीक है, इसी को वीकेंड भी कहते हैं. ठीक, अच्छा, अब डे टू डे लाइफ में भी होती है क्या कहते हैं लेजर टाइम. भाई दिन भर भी कोई लगातार काम नहीं कर पाएगा ना, तो लेजर टाइम होता है, जैसे आपका लंच होता है, हाँ स्कूल में लंच हो जाता है, ठीक है, लेजर टाइम उसको भी कहते हैं. या आप घर में पढ़ाई करने बैठे, होमवर्क कर रहे हो, 3 घंटा 4 घंटा आपने 3 घंटा होमवर्क किया, 2 घंटा आपने लगातार होमवर्क कर लिया, उसके बाद आपको थोड़ा सा फ्री टाइम चाहिए कि हाँ चलो 10 मिनट थोड़ा इधर उधर घूम लें, थोड़ा मम्मी से बात कर लें, थोड़ा गेम खेल लें, थोड़ा टीवी देख लें, आधी घंटा 1 घंटा फिर पढ़ने बैठेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे. ऐसे ही पापा मम्मी के साथ भी होता है, जल्दी से अपना दिन भर का 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटे का काम निपटाते हैं लोग, फिर थोड़ा देर आराम करते हैं, बातचीत कर लेते हैं लोगों से, घूम आते हैं कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ, पार्क में चले जाते हैं. ठीक है, तो इसी को हम लोग लेजर टाइम कहते हैं. ठीक, अब लेजर एक्टिविटीज़ 2 तरह की होती है बेटा. क्या क्या होती है? एक इंडोर लेजर एक्टिविटीज़, एक आउटडोर लेजर एक्टिविटीज़. इंडोर लेजर एक्टिविटीज़ और आउटडोर लेजर एक्टिविटीज़ क्या है? मतलब जो एक्टिविटी हम घर में या बाहर करते हैं अपना फ्री टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने आप को रिचार्ज एक तरीके से कह लो करने के लिए, उसी को कहते हैं इंडोर या आउटडोर लेजर एक्टिविटीज़. आउटडोर मीन्स, आउट मीन्स बाहर,
बाहर, घर के बाहर, डोर मीन दरवाज़ा, आपके घर के बाहर, ठीक है, जो भी पार्क में, ग्राउंड में, ठीक है, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ कहते हैं, जो आप घर के अंदर करते हो इनडोर, घर के अंदर, वो आपकी इनडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक। जैसे आप फैमिली के साथ चले गए पार्क में, फैमिली के साथ घूमने चले गए, मूवी देखने चले गए, पिकनिक पे चले गए, ठीक है, तो ये सब क्या है, आउटडोर एक्टिविटीज़ है। दिन में जैसे आप शाम को जाते हो, क्रिकेट खेल आते हो, या दोपहर शाम, इस समय तो ठंड चल रही है, तो दो बजे तीन बजे जाते हो आप, क्रिकेट खेल के चले आए, या जो भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है वो स्पोर्ट्स खेलने चले गए, थोड़ी देर, एक घंटा दो घंटा खेल लिए, फिर घर आए, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये हमें रिचार्ज कर देती हैं, हमें फिर से अपना काम करने के लिए रिफ्रेश कर देती हैं, तो इन्हीं को हम आउटडोर एक्टिविटीज़ कहते हैं। जैसे आप करते हो, कभी कभी साइकिलिंग करते हो, ठीक है, इन आउटडोर एक्टिविटीज़ में साइकिलिंग भी आता है, जैसे थोड़ी देर साइकिल चला लिया, ठीक है, या स्किपिंग कर रहे हो, मतलब रस्सी कूद रहे हो, ठीक है, स्विमिंग अगर फैसिलिटी है तो स्विमिंग कर रहे हो, अभी तो ठंड चल रही है, ऐसा करने मत जाना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो है आउटडोर एक्टिविटीज़ में आती हैं, और इनका फ़ायदा भी है। आप क्रिकेट खेलोगे बाहर, जैसे मोबाइल में गेम खेलना इज़ नॉट अ आउटडोर एक्टिविटी, बल्कि लेजर टाइम है, ठीक है, आप लेजर टाइम मोबाइल में स्पेंड कर सकते हो, लेकिन उससे नुकसान बहुत होता है, फ़ायदा कम होता है। भाई आप देखोगे लगातार आपकी आंखें दुखेंगी, कंसंट्रेशन, माइंड भी थक जाएगा, और ऐसे जब आप बाहर जाओगे आउटडोर एक्टिविटी करने, लेजर एक्टिविटी, तो आप खेलोगे, दौड़ोगे, आप भागोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी फिट होगी, आपकी बॉडी स्ट्रांग होगी, आपकी बॉडी जो है एक्टिव हो जाएगी पूरी तरह से, सारे ब्लड जो है पूरी बॉडी में अच्छे से फ्लो करने लगेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको फ़ायदा करेंगे, आप हेल्थ वाइज फिट रहोगे, ठीक है, जल्दी जल्दी ग्रो करोगे, लंबे होगे, चौड़े होगे, ठीक ना। तो बहुत सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ जो आपके दोस्त आपके साथ खेलते भी होंगे, ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बच्चे ड्राइंग बना हुआ है, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो एक बच्चा ये डॉगी के पीछे दौड़ रहा है, वो डॉगी बूमरैन लेके जा रहा है उसका, देखो कुछ फैमिलीज़ अपने साथ पार्क में आई हैं, देखो कुछ बच्चे जो है वो स्लाइड पे स्लाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी आउटडोर एक्टिविटीज़ हम करते हैं, ठीक है, कभी कभी हफ्ते में शायद एक बार या महीने में एक बार, जिसने जो रूटीन बनाया हो उस तरह से हम फैमिली के साथ बाहर भी जाते हैं, खाना खाने, घूमने, पिक्चर देखने, मूवीज़ देखने, तो वो भी आपका आउटडोर लेजर एक्टिविटीज़ में आता है, ठीक। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम आते हैं इनडोर लेजर एक्टिविटीज़ में। इनडोर लेजर एक्टिविटीज़ भी बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। हाँ देखो, कहीं मोबाइल गेम खेलने का इनडोर एक्टिविटी लेजर में नहीं दिया है तो आप इसको अवॉइड करिए। ऐसे ही आप लोग को समय मोबाइल ज़्यादा चलाना पड़ रहा है, तो इसलिए आउटडोर एक्टिविटीज़ में, इंडोर एक्टिविटीज़, लेजर एक्टिविटीज़ में देखिए क्या क्या दिया है। भाई प्लेइंग स्क्रम्बल्स, आप स्क्रम्बल्स देखें, प्ले करते हो, खेलते हो, ठीक है, कैरम खेल लो, चेस खेल लो, ठीक है, पियानो बजा लो, ठीक है, इस तरह की बुक रीड कर लो, कोई कॉमिक बुक रीड कर लो, ठीक है। तो इस तरह की जो लेजर एक्टिविटीज़ है आप घर में करो, ठीक है, तो उससे क्या होगा भाई, जैसे एक गेम आता है बिजनेस, एक गेम आता है जिसमें आपको स्पेलिंग्स बनाने होते हैं, वो दिया होता है, क्या कहते हैं, ब्लॉक्स दिए होते हैं, उससे आपको स्पेलिंग्स बनाने होते हैं नए नए, तो ये सारे गेम्स क्या करते हैं, आपका आईक्यू लेवल बढ़ाते हैं। और म्यूज़िक है, जैसे पियानो बजा रहे हो, कोई गिटार बजा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा हुनर भी देती हैं, बस मूड को रिलैक्स करती हैं, रिफ़्रेश करती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें करनी चाहिए इनडोर एक्टिविटीज़ में, ठीक है। मोबाइल पे गेम खेलना इज़ नॉट अ लेजर एक्टिविटी, ये आपको नुकसान करेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए उसको अवॉइड करिएगा। आप क्या करोगे, आप ये सब लेजर एक्टिविटीज़ कर सकते हो जो आपने देखी। हाँ, थोड़ी देर टीवी भी देख सकते हो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, कार्टून देखो, कोई डिस्कवरी चैनल देखो, ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब देखो इम्पोर्टेंस भी दिया है लेजर एक्टिविटीज़ का, क्या इम्पोर्टेंस है, देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर एक्टिविटी, लेजर टाइम एक्टिविटीज़ हेल्प्स अस रेस्ट बिफोर वी कैन गो बैक टू वर्क और स्टडी। पहले ही बताया है मैंने कि नया काम करने से पहले या दोबारा काम शुरू करने से पहले हमें रेस्ट करने के लिए जो टाइम देता है, ये हमें रेस्ट करता है ताकि हम रिफ्रेश करके नया काम अच्छे से कर सकें। दे हेल्प अस इन्जॉय एंड हैव फन, वो हमें हेल्प करता है कि हम इन्जॉय कर सकें, फन कर सकें, मस्ती कर सकें, खुश हो जाएँ, हंसें, मुस्कुराएँ, ठीक है। मेक न्यू फ्रेंड्स वाइल डूइंग दीज एक्टिविटीज़, भाई अब आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो तो एक ही दो लोग नहीं ना क्रिकेट खेलेंगे, 10-12 लोग चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए, तो आपके नए नए दोस्त बनेंगे, अच्छे अच्छे ग्रुप बनेगा आपका, ठीक है। वी लर्न न्यू थिंग्स, नई थिंग्स भी सीखते हैं भाई लेजर एक्टिविटीज़ से। अगर जैसे आपसे मैंने कहा कि ये पियानो बजा रहे हो या स्किपिंग सीख रहे हो, मतलब बहुत कुछ भी आप कर रहे हो, तो उसमें हम हमेशा कुछ ना कुछ नया और अच्छा जानते हैं। स्टे हेल्दी एंड फिट,
और आउटडोर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, भाग रहे हो, तो आप हेल्दी भी रहोगे और फिट भी रहोगे। ओके, ये आपका चैप्टर था बेटा। अब आ जाइए ज़रा क्वेश्चन आंसर्स भी देख लीजिए इसी में, ठीक है। क्वेश्चन आंसर देखिए, पहला क्या दिया है, नेम द इंडोर लेजर एक्टिविटीज़। कुछ आपको इंडोर लेजर एक्टिविटीज़ बतानी है, तो देखिए दो ठो बताई गई, प्लेइंग स्क्रैबल और वॉचिंग टीवी, ये दोनों लेजर एक्टिविटीज़ है। खाली समय में आप टीवीज देख सकते हो या स्क्रैबल प्ले कर सकते हो। व्हाई डू वी नीड टू डू लेजर एक्टिविटीज़, हमें लेजर एक्टिविटीज़ करना क्यों ज़रूरी है। लेजर एक्टिविटीज़ हेल्प अस, मेरे साथ रिपीट कर लीजिए, लेजर एक्टिविटीज़ help us rest before we can go back to work or study, before we can go back to work or study, मतलब leisure activities हमें help करती है ताकि हम rest कर सकें कोई भी नया काम या दूसरा काम शुरू करने से पहले, ठीक है, पढ़ाई करने से पहले हमें help करती है rest करने के लिए। Is cycling a leisure activity? क्या cycling leisure activity है? Yes, cycling is a leisure activity. हाँ भाई, cycling भी अभी पढ़ा हम लोगों ने, outdoor leisure activity है। Name an outdoor leisure activity. एक outdoor leisure activity बताइए भाई। तो हमने दो बता दी, दो तीन जो बता दी है, cycling है, skipping है, swimming है, आप कोई भी एक याद कर सकते हो, ठीक। cycling, skipping, swimming, ठीक, clear है। और ये क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आप लर्न कर लीजिएगा, यही आपका होमवर्क है आज का। ओके, थैंक यू क्लास।